गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, एम आई ऑडिबल ऑल? नॉइज ओके? गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, आर्यन, अनुष्का, गुड आफ्टरनून साक्षी, मंजरी, गुड आफ्टरनून नंदिनी, कृष्णा, गणेश, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके चलो, तो आज का सेशन न्यू टॉपिक के साथ, आज हम लोग राना टिग्रिना मींस फ्रॉग जो है ये हम लोग देखेंगे। ओके, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का ये एक लास्ट पोर्शन है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वो हम लोग देख रहे हैं। अर्थवर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट क्लियर कराते हुए मैंने आप लोगों का अर्थवर्म क्लियर कराया हूँ बेटा। इन एडिशनल टू एनसीईआरटी जो कंसेप्ट है, जितना डेप्थ जाके समझाना चाहिए, एक्चुअली उसको डेप्थ नहीं कहेंगे, जितना अच्छे से विजुअलाइज कराते हुए कंसेप्ट को क्लियर कराना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों की क्लियर कराया हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ अर्थवर्म को पढ़ने से समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो अर्थवर्म के एक एक पॉइंट को साथ ही साथ कनेक्ट करते हुए मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, इतना बेस्ड आपको कहीं और नहीं मिलेगा, आप चेक कर सकते हो, ये गारंटी है मेरी, ठीक है? तो इतना बेस्ड आपको मिला है तो मैं आपसे उम्मीद भी बेस्ड ही करूंगा। ओके, मींस आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए, स्कोर भी अच्छे आना चाहिए। और साथ ही साथ आज मैंने आप लोगों को दो असाइनमेंट का लिंक और पास्ट असाइनमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हूं। डिड यू गॉट इट? मिल गया सभी को? लिंक मैंने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया, साथ ही साथ आपको ऐप पे या मेल पे नोटिफिकेशन भी आ गया होगा। ये दोनों का डेडलाइन है कल तक के का, तो दोनों भी असाइनमेंट आपको एक साथ सॉल्व करने हैं, ठीक है? दोनों भी असाइनमेंट एक साथ सॉल्व करने, बट मैं डेट वाइज आपको दे रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा डिले हो गया, बट जो दो दिन पहले के जो असाइनमेंट थे वो डेट उसी डेट को मेंशन करते हुए मैंने आज पोस्ट किया हूं, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, आधा काम हुआ था और आधा नहीं हुआ था, ठीक है? तो अब आप भी समझ सकते हो कि मेहनत करनी पड़ती है, रेडीमेड मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? सारी चीजों को सिस्टमेटिक अरेंज करके, टाइप करके, फ्रेम में डिजाइन करके ही पोस्ट करना रहता है, तो उसके लिए मेहनत लगती है बेटा, और यही मेहनत मैं आपसे भी चाहता हूं। मेरे पास कुछ रेडीमेड नहीं है, ओके? और आप लोगों के लिए ही मैं ये सारी चीज कर रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिलेगा, समझ गए? ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद 12th का आएगा, अभी सेल बायोलॉजी है ना आपका इस बार? नहीं, अभी रिवीजन शेड्यूल में कौन सा टेस्ट है? सेल बायोलॉजी है, एम आई राइट? नो, ठीक है, सेल बायोलॉजी रह गया ना, रिवीजन टेस्ट जो बल्क वाला हम लोग ले रहे हैं, और उसके बाद फिर कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगा। असाइनमेंट में ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद क्या रखना है आपके अकॉर्डिंग रख देंगे इस बार। व्हाट डू यू वांट? टेक्स्ट मी क्विकली, जो आप बोलोगे वो, बट ऐसा एक एक चैप्टर नहीं बताना बेटा, बल्क में बताओ, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, या फिर उसके पहले यूनिट 1 या एनाटॉमी वाला यूनिट 2। देखो रिस्पॉन्स आए मेरे पास, गणेश सेल बायोलॉजी कह रहा है, साक्षी प्लांट वाले कह रही है, नंदिनी एनाटॉमी वाले यूनिट कह रही है, नीनत सेल बायोलॉजी कह रहा है, आदित्य प्लांट फिजियोलॉजी है, प्रज्ञा प्लांट किंगडम है, हिमानी प्लांट फिजियोलॉजी है, खुशी सेल बायोलॉजी है, आर्यन प्लांट फिजियोलॉजी है, जानवी प्लांट फिजियोलॉजी है, चैताली प्लांट फिजियोलॉजी है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा पोल कराना पड़ेगा, मुझे पोल ले लो क्या? क्वेश्चन क्या बोला अथर्व को नहीं मालूम, ठीक है पोल ले लेता हूं। ओके जस्ट वेट, पोल क्रिएट करना पड़ेगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। ओके
ओके, देखिए बेटा पोल शेयर किया मैंने, चॉइस वन टू थ्री फोर, चॉइस वन में यूनिट वन है, चॉइस टू में यूनिट टू है, चॉइस थ्री में यूनिट थ्री है, और चॉइस फोर में यूनिट फोर प्लांट फिजियोलॉजी है। जैसा, एक मिनट हेलो सुनो, इसमें जैसा रैंक आएगा वही सीक्वेंस रहेगा बेटा, ठीक है? तो और जिसमें अभी जिस पे ज्यादा वेटेज आएगा वो सबसे पहले लूंगा मैं, हर बार आपकी चॉइस लूंगा मैं, जिसमें ज्यादा वेटेज आएगा वो वाला चैप्टर जो है यहाँ पे रखा जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी यूनिट वन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग बर्ड वाले जो रहेंगे वो सेकंड, इसमें मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो। फिफ्टी परसेंट मेरे पास अभी प्लांट फिजियोलॉजी है, 23% सेल बायोलॉजी है, 32% सेकेंड यूनिट है, और 25% फर्स्ट यूनिट है। अभी भी बहुत से पार्टिसिपेंट जो है सबमिट नहीं किए अपना रिस्पॉन्स, 70% ही सबमिशन आया है, 80% हो गया है अभी, 81, जल्दी से सबमिट करो बेटा अपना आंसर। जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से आप लोगों के टेस्ट में पहले रखना है, तो सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर चाहते हो नेक्स्ट असाइनमेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद, ये क्वेश्चन है मेरा, हो गया? अभी भी बेटा 10% स्टूडेंट जो है जिनका रिस्पांस नहीं मिला है मुझे, 7% स्टूडेंट रह गए अभी भी। जल्दी 1 मिनट के अंदर सबमिट करो, नहीं तो टाइम इज ओवर बोल दूंगा मैं। एंड कर दो पोल, 95 पार्टिसिपेंट यहाँ पे अपना सबमिशन दिया है, 97 हो गया, और कोई रह गया? तुक्के तो नहीं मार रहे हो, कुछ पे भी मार्क कर दो। 97% पोल आ गया बेटा, चलो 3% को छोड़ देते हम लोग, पोल एंड कर रहा हूँ, रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी दिखे क्या आया है रिजल्ट। दिख रहा है बेटा कौन सा मिला? ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है, अथर्व को क्वेश्चन नहीं पता बेटा, आप क्लास में लेट आए होंगे, तो अकॉर्डिंग टू पोल जाएंगे बेटा हम लोग। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी का वेटेज मिला है तो नेक्स्ट असाइनमेंट हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पे ही जाएंगे। चलो एंड करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, तो इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो हम देखेंगे। तो पहले तो शुरुआत करते हैं हम लोग, हमारा ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है राणा टिग्रिना जो हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, फ्रॉग का स्टडी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज, जो कि हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है एनिमल का, इसमें आता है। एक पिक्चर मैंने क्रॉप करके यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ, थोड़ा पिक ब्लर आया है बट फिर भी समझ में आ जाएगा आपको। एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक्स जो होता है ये वहां पे दिया हुआ है, आपने एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, और नहीं तो मैंने भी आपको इसके पहले समझाया हो। तो एनिमल किंगडम में जो फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है, क्या चीज? कॉर्डेटा, पूरी फेरा से लेके हम लोग कॉर्डेटा तक के स्टडी किए थे। प्रियंका चली कनाडा, एक ट्रिक मैंने आपको शेयर किया था, याद होगा आपको यदि, तो फाइलम कॉर्डेटा को थ्री सब फाइलम में डिवाइड किया है, और जो थ्री सब फाइलम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, पहला आता है यूरोकॉर्डेटा, सेकंड सिफेलोकॉर्डेटा, और वर्टिब्रेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फियोक्सस, यूरोकॉर्डेटा में हर्डमानिया आता है, इसका हमें नीड नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा पे आएंगे। और जो वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है, यदि हम यहाँ पे जाते हैं तो इसमें
इसके टू सेक्शंस है बेटा, एक जिसमें जॉ प्रेजेंट होते हैं ऐसे वर्टिब्रेट्स, और एक जिसमें जॉ नहीं होते। तो जिसमें जॉ होते हैं उसे नेथोस्टोमाटा कहते हैं, और जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता वो क्या कहलाता है, विदाउट जॉ वाला, विद जॉ नेथोस्टोमाटा, एंड विदाउट जॉ जो होता है उसे एगनाथा कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद इसमें कुछ इसकी क्लासेस आती है। अब एग्नाथा भी हम लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। अब नहीं पढ़ना है तो यहाँ पे ना तो साइक्लोस्टोमाटा, जिसमें पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन हम लोगों ने पढ़े थे आपको याद होगा, हम लोग डायरेक्टली वर्टिब्रेट्स पे आते हैं जिसमें जॉ होते हैं। तो इसको जनरली टू सुपर क्लास जो होता है, एक जो कि मछलियों की क्लासेस होती है जैसे पाइसेस, और एक टेट्रापोडा जिसमें लिम्स होते हैं, मतलब एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो मछली में ऑस्टिक्थिस और कॉन्डिक्थिस पढ़े थे हमने, तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर नहीं देखना है। डायरेक्टली हम लोग टेट्रापोडा जिसमें लिम्स होते हैं, फॉर लिम्स कहेंगे जैसे, तो इसमें कुछ क्लास आती है जिसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया हम लोग पढ़ चुके हैं, मेमल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, और एब्स भी हम लोग देख चुके हैं। मीन्स हम लोगों को यहाँ पे एम्फीबियन वाली जो क्लास है उसे देखना है, जैसे कि सालामंडर एंड फ्रॉग इसमें आता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रीन झंडी जो आपको मिल रही है, हरी झंडी, ये आपको पढ़ना है, सालामंडर एंड फ्रॉग। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो सिलेबस का मेन पोर्शन हमें जो पढ़ना है वो है फ्रॉग। और एम्फीबिया मीन्स आपको डायरेक्टली नाम से समझ में आता है कि ऐसे एनिमल जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। तो एनिमल किंगडम के फाइलम कॉर्डेटा, जिसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सेक्शंस आता है नेथोस्टोमाटा, सुपर क्लास होती है इसकी टेट्रापोडा, नॉर्मल क्लास आती है एम्फीबिया, ऑर्डर आता है एन्यूरोरा, फैमिली है रेनेडी, याद नहीं रखेंगे चलेगा, बट जीनस राना और स्पीसीज है टिग्रिना। मीन्स राना टिग्रिना हम लोगों को आज के इस सेशन में स्टार्ट करना है। मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज है, तो ये हो गया फ्रॉग का क्लासिफिकेशन। याद रखेंगे बेटा, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, अथवा में इस तरह से नीड नहीं था तो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, बट फ्रॉग में आपको ऐसा मालूम होना चाहिए। तो फाइनली फ्रॉग जो है, कुछ स्पेशल फीचर्स जो है ड्राइंग की हेल्प से देखेंगे तो अच्छे से समझता है, ऐसा रिस्पॉन्स आया है आपका। तो ड्राइंग की हेल्प से ही मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर स्लाइड पे जाएंगे, और नीड रहा तो साथ ही साथ हम लोग कहाँ पे आएंगे बेटा, हम आएंगे, वेरी गुड, स्लाइड एनिमेशन, एक एक चीज, हर एक चीज, सारी चीज। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया सभी लोगों को? फ्रॉग हम लोग देख रहे हैं, तो फ्रॉग की यदि हम बात करें, क्या चीज, फ्रॉग की यदि हम, जस्ट वेट, एक एरर आया मेरे कंप्यूटर में। हाँ, तो फ्रॉग जो होता है कैसा होता है, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, दे आर एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स जो पानी में भी रह सकता है और साथ ही साथ जमीन पे भी रह सकता है, मीन्स लैंड में भी और वाटर, दोनों भी जगह पे यह रहता है। थोड़ा सा इसका स्पेशल फीचर्स मीन्स इसके बॉडी, इसका कलर कैसा होता है, स्किन होती है नहीं होती है, और होती है तो कैसे होती है। ओके, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके बेटा तारेश, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट स्टार्ट किए, थोड़ा सा इसके पहले मैंने कुछ स्पेशल टाइप के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था,
ओके, अब मैं भूल गया मैंने क्या प्रोवाइड किया, आप कोई ना कोई आपके कांटेक्ट में होगा तो उनसे पूछ सकते हो। जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टॉपिक, वैसे सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी फ्रॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। दे आर एम्फीबियन, जो लैंड एंड वाटर जो है दोनों भी जगह पे प्रेजेंट होता है। अब इसकी हम लोग बॉडी की हम बात करते हैं, तो बॉडी में सबसे पहले हम लोग इसकी स्किन जो है वो कैसी होती है वो देखेंगे। तो स्किन जो होती है इसकी, एक तो स्लिमी एंड मॉइस्ट होती है। आपने देखे होंगे कि फ्रॉग टर्टर करते हुए आपके ऊपर आ गया होगा कभी आपके बॉडी पे, तो आपको थोड़ा सा मॉइस्ट स्किन जो है फील हुआ होगा, हुआ था, हाथ लगाए होंगे नहीं तो, खेले होंगे बचपन में, नहीं खेले, डर लगता था। ओके, कलर। अभी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है बेटा, और ऐसे ही एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, ये सब समझाने वाली चीजें नहीं है लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए। तो कलर जो है, अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, चिपचिपा रहता है ना। हाँ, तो अब देखो कलर ऐसा नहीं पूछेगा कि फ्रॉग का कलर बताओ। फ्रॉग में आपको उसके डॉर्सल साइड में कैसा होता है और उसका वेंट्रल साइड जो है ये कैसा होता है, ये पूछा जाएगा। कंफ्यूज हम यहां पर होते हैं बेटा। तो डॉर्सल साइड जो है उसका ओलाइव ग्रीन होता है, ओके, ओलाइव ग्रीन होता है। और वेंट्रल आप देखोगे तो वेंट्रल साइड उसकी होती है कैसी, येलो। एक तो ओलाइव ग्रीन है, दूसरा वेंट्रल येलो होता है। और कभी भी ये पानी नहीं पीता, ये भी याद रखना है, नेवर एवर, नेवर ड्रिंक वाटर। बट पानी को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है अपने स्किन के थ्रू, वाटर को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। हाँ वही कह रहा हूं ना बेटा, आर्यन में पानी पीता नहीं है, एब्जॉर्ब करता है, तो उसको पीना नहीं कहेंगे, स्किन के थ्रू ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब थोड़ा सा हम इसकी बॉडी कैसे होती है उस पर आएंगे। अर्थवॉर्म की जो बॉडी है, क्या चीज, अर्थवॉर्म की बॉडी, तो इसका बॉडी जो है, एक तो हेड इसमें होगा, ओके, हाँ बेटा तारेश, एक तो हेड रहेगा और बैक पोर्शन जो इसकी बॉडी का होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं, मींस नेक और टेल इसमें एब्सेंट होता है। एक तो हेड रहेगा और दूसरा ट्रंक रहेगा, मींस इसमें नेक एंड टेल जो है दोनों भी एब्सेंट होता है। हाँ लेकिन एक और चीज अतर बेटा, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन पे पहुंच गए, अभी हमने इंट्रोडक्शन ही चालू की है, वेट करो ना थोड़ा बेटा। टेल की यदि हम बात करें तो इसमें जब लार्वल स्टेज जो होती है तो उस टाइम पे ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज, ओके। और साथ ही साथ ये जो है ये शो करता है जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एनीबडी? कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग को कहेंगे, ओके गुड। चलो थोड़े से और इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, चेंज इन अपीयरेंस, ओके वेरी गुड बेटा। तो इसी तरह से थोड़ा सा आगे का इंफॉर्मेशन हम देखते हैं वन बाय वन, इसका हेड जो है वो कैसा होता है, ठीक है। चलो रिस्पॉन्सेस मिल गए हैं मुझे, अब सबसे पहले हम लोग राणा टिग्रिना का
हेड का इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। तो हेड जो है स्नाउट होता है एंटेरियल एंड पर, कैसा रहता है स्नाउट एट एंटेरियल एंड, ये ऐसा कुछ पे भी इसको स्नाउट कहते हैं। माउथ यदि हम देखें तो एंटेरियल एंड पे देखने को मिलेगा, और पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स भी इसमें देखने को मिलेगी, मीन्स इसी एंटेरियल रीजन पर इसमें माउथ भी होता है, साथ ही साथ नोज नहीं होता बेटा, नोज के समान स्ट्रक्चर होता है जिसे नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, जो कि पेयर में होता है, और आईज जो होती है इसकी बाहर से उठी हुई रहती है, उथली, बल्ज कहते हैं जिसे। आईज जो रहेगा वो बल्ज, बल्ज का स्पेलिंग ऐसे आएगा ना BULG, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, स्लाइड में चेक कर ले एक बार कैसा होता है आईज इसकी, इधर गया ये BULGED, कुछ गलत हो गया ना, BUL क्या था, GED, बल्ज मीन्स समझ में आया कैसा होता बेटा, और आपस में जो अरेंज होती है डॉर्सो लेटरल अरेंज होता है इसका अरेंजमेंट, अरेंज जो होता है ये होता है डॉर्सो लेटरल, ओके, और आईज जनरली प्रोटेक्टेड होती है 3 आईलिड से, अपर साइड में भी रहेगा, लोअर साइड में भी रहेगा, और साइड में निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो हमारे इसमें वेस्टिजियल है, याद है इवोल्यूशन में हमने निक्टेटिंग पढ़े थे, ओके, तो इसमें यह भी याद रखना है कि दे आर प्रोटेक्टेड बाय अब यही सारी इंफॉर्मेशन में डायरेक्टली एनसीईआरटी से आपको डॉर्सल मतलब पीछे साइड, लेटरल मतलब साइड में, तो पीछे और थोड़ा साइड में ऐसा रहता है, जैसे ये फ्रॉग है ना, ये ऐसा माउथ इसका स्नाउट होता है, ये ऐसा स्नाउट में आईज जो है देखो ये ऐसा हो गया ना, तो ये नीचे का वेंट्रल हो गया, ये डॉर्सल हो गया, बट ये डॉर्सल में एकदम ऊपर नहीं रहता ना, इधर साइड में ये ऐसा, ये यहाँ पर, तो ये डॉर्सो लेटरल कहलाएगा, ठीक है बेटा नीना समझ में आ गया। आईज जो है प्रोटेक्टेड होता है, कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा, 3 आईलिड से प्रोटेक्टेड होगा बाय 3 आईलिड्स, बेटा एक मिनट है, एक कॉल आ रहा है, ओके सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, चलो स्टार्ट करते हैं। बल्जी आई होती है फ्रॉग में, आवाज आ रहा है ना मेरा, जो प्रोटेक्टेड होता है 3 आईलिड से। अब 3 आईलिड्स मीन्स यहाँ पे कैसा रहेगा,
तीनों भी आईलिड्स जो रहेंगी वो एक तो अपर रहेगा, उसके बाद अपर के बाद एक और जो रहता है वो लोअर कहलाता है, और लोअर के बाद एक और जो रहता है उसे निकटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये याद रखना है, लोअर थर्ड जो रहता है वो क्या कहलाएगा, निकटेटिंग मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेट ज्वाइन हुए। ठीक है बेटा, रियल्स ज्यादा बहुत कुछ नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट किए हम लोगों ने। ठीक है, हम फ्रॉग के इंट्रोडक्टरी पार्ट को अभी हम देख रहे हैं, तो अभी फ्रॉग का हमने हेड वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट किए। अभी हम लोग यहाँ पे ट्रंक जो है ये हम पढ़ेंगे। तो ट्रंक की यदि हम बात करें तो ट्रंक जो कनेक्टेड होता है इसमें, जिसे हम लिम्स कहेंगे, तो इसमें लिम्स जो है एक तो फॉर लिम्ब रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो आता है हिंड लिम्ब। तो सामने साइड के जो पेड़ होते हैं उसे फॉर लिम्ब कहते हैं। ओके, और दूसरा जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, हिंड लिम्ब कहलाएगा। ओके, तो फॉर लिम्ब और दूसरा क्या रहेगा, हिंड लिम्ब रहेगा। तो फॉर लिम्ब में कभी भी देखना, इसमें जो डिजिट होते हैं वो 4 डिजिट देखने को मिलेंगे आपको। आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक पिक्चर शेयर किया था। ओके, अगेन शेयर करना है पिक्चर, आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का डायग्राम पे एक बार फोकस कीजिए आप लोग। मैं शेयर करूं? ओके, जस्ट वेट, पिक्चराइजेशन से अच्छे से समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट, मैं शेयर करता हूं आप लोगों को। एनसीईआरटी का पिक्चर है बेटा, वही शेयर कर रहा हूँ, जिसके पास नहीं है लेके बैठा करो बेटा। ये देखिए, ये फ्रॉग हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्रॉग में देखो, थोड़ी देर पहले हमने जो स्टडी की है उसका हमने हेड वाला पार्ट देखे थे, तो ये आपको हेड दिख रहा है। आई देखो, थोड़ी सी बल्जी आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये हेड पार्ट हो गया। दूसरा ट्रंक, ट्रंक के बाद टेल आपको दिख रही है कि इसमें नहीं, बट लार्वल स्टेज में टेल होती है। फिर ये जो ट्रंक है इसमें फॉर लिम्ब, ये वाला जिसमें आपको डिजिट दिख रहा है 1 2 3 दिख रहा है, एक्चुअली 4 होते हैं बेटा। कितने डिजिट रहते हैं, 4 डिजिट। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये बुक का ही पिक्चर शेयर किया बेटा मैंने, दिखाई दे रहा है, ये बुक में दिया हुआ है, शायद आपका ये पास ब्लैक एंड व्हाइट आया होगा। फिर ये बुक का ही पिक्चर शेयर किया, अभी समझा बेटा, नीनत देखो, फॉर लिम्ब दिख रहे हैं और दूसरे क्या आएंगे, हिंड लिम आएंगे। ओके, एक तो फॉर लिम हो गया, हिंड लिम देखो आपको लार्ज मस्कुलर दिख रहे हैं, बट इसमें जो डिजिट रहते हैं ना 1 2 3 4 एंड 5, ध्यान से देखो, तो हिंड लिम जो रहेगा लार्ज रहेगा, मस्कुलर रहेंगे, और 5 डिजिट जो है इसमें देखने को मिलते हैं। अभी फील आया करेक्टली? ओके, वेरी गुड, बोला करो ना बेटा, आपकी डिमांड पूरी करूंगा मैं रिलेटेड टू स्टडी, क्योंकि हमें रिजल्ट अच्छे से अच्छा लाना है। आज कुछ बच्चे दिख नहीं रहे, लास्ट लेक्चर में कितने लोग एब्सेंट थे बेटा, एक बार हैंड रेस करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर रियल में बहुत ही अमेजिंग लेक्चर था। अमेजिंग मीन्स कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है रिप्रोडक्शन वाला पार्ट समझने में और पढ़ने में। मैंने अलग अलग तरीके से एनिमेशन, स्लाइड, पिक्चराइजेशन और एक एक कंसेप्ट है उसके फ्लो डायग्राम उस तरह से समझाया हूं। हैंड रेस किए बेटा 4 लोग नहीं थे, गणेश, सानिया, प्रदन्या, अथर्व। ओके, तो रियल में बेटा लास्ट का लेक्चर बहुत ही अच्छा था और सही में अच्छी तरह से समझने वाला लेक्चर था, आप लोगों ने बेटा मिस कर दिए हो। ठीक है, रहना चाहिए था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जहां पे जाके प्रॉब्लम आती है ना, वही सारी चीजों को मैंने वहां पे सॉल्व करवाया हूं। इसके बाद देखिए, फ्रॉग में यदि हम लोग जो देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, जो फंक्शंस है लिम्स के। ठीक है, जनरली जैसे 4 डिजिट और 5 डिजिट हमने देखे, तो
यहाँ पे 5 डिजिट लार्ज और मस्कुलर रहता है फॉर लिम के कंपैरिजन में। तो फ्रॉग जो है अपना जो वर्क है इसमें स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग, बरोविंग, इन सभी में जो है इन लिम्स का यूज करता है। ठीक है, स्पेशली ये वाला जो है, तो इसमें फंक्शंस क्या हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, वॉकिंग के अलावा स्विमिंग जो होता है, स्विमिंग तो करनी पड़ेगा उसे, तो ये हो गए क्या चीज, फंक्शंस। और लास्ट में फ्रॉग जो है इसमें देखने को मिलता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या चीज, सेक्सुअल डाई मॉर्फिज्म जो है फ्रॉग में, क्या चीज, सेक्सुअल डाई मॉर्फिज्म जो है फ्रॉग में ये जो है प्रेजेंट होता है। एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डाई मॉर्फिज्म, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, क्या होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीनिंग। वेरी गुड निनत, वेरी गुड गणेश, इसकी हेल्प से ही हम लोग मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, मेल और फीमेल फ्रॉग अलग अलग होते हैं, तो मेल और फीमेल, कई बच्चों को ये नहीं मालूम होता है, बट आई प्राउड ऑफ यू, आप जानते हो बेटा ये। तो जो मेल फ्रॉग जो रहेगा उसको कैसे हम पहचानेंगे, उसके पास एक साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, साउंड साउंड प्रोडक्शन करने के लिए वोकल सैग जो है उसके पास प्रेजेंट होगा। ओके, पहली चीज, साथ ही साथ कपलेटरी पैड भी जो है इसमें देखने को मिलेंगे। ओके, गलत लिखा गया, कॉपलेटरी पैड देखने को मिलेंगे। ये चीज हम लोग, और ये कहां पे बेटा, फर्स्ट डिजिट पे प्रेजेंट होते हैं, वो भी कहां पे, फॉर लिम्स में, बट ये चीज फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। तो कॉपलेटरी पैड जो है कहां पर, फर्स्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट फिंगर कहते हैं जिसको हम, ठीक है, फर्स्ट डिजिट ऑफ, कहाँ की बात हो रही है, फॉर लिम की, बट फीमेल में ये जो है ये एब्सेंट होता है। ओके, बट फीमेल में जनरली क्या कह सकते हैं, मतलब इस तरह से मेल और फीमेल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रॉग का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट था। हाँ, बाकी डिटेल हम लोग रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे बेटा। अब ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने जितना भी इंफॉर्मेशन देखे, ये फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी हो गई। क्या देख लिया हम लोगों ने, मॉर्फोलॉजी। अब हम लोग यहां पे अगेन फ्रॉग जो है इसका हम यहां पर देखेंगे क्या चीज, एनाटॉमी। अर्थवॉर्म में भी ऐसे पढ़े थे हम लोगों ने, ऐसे पढ़े थे ना हम लोगों ने, तो
एनाटॉमी जो है, तो एनाटॉमी में हम लोगों ने क्या है, ऑर्गन सिस्टम जो है वो स्टडी किए थे। तो एज इट इज यहाँ पर भी हम लोगों को इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होता है वो हम लोगों को देखना है। ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या हम लोग देखेंगे बेटा बताओ? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारी चीजें। तो सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हम लोगों को देखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हम लोगों को देखना है। फिर क्या आएगा बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हम लोगों को देखना है। नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग। और लास्ट में आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो है क्या चीज, इतने हम लोगों को यहाँ पे एनाटॉमी में पॉइंट्स जो है कवर अप करने हैं। तो शुरुआत हम करेंगे कहाँ से? डाइजेस्टिव सिस्टम से। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब देखो बेटा ये सारी चीजें इसमें, ये वाले टॉपिक में मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े हैं। और फ्रॉग का जो हमारा सिस्टम होता है रिलेटेड टू ह्यूमन, बहुत कुछ मिलता जुलता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे तो इसमें वही क्या चीज, एक तो एलिमेंट्री केनाल, ये हम लोगों को पढ़ना है, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोगों को पढ़नी है। ओके, तो एज इट इज रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से देख लेंगे। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? तो टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इस पोर्शन को हम लोग एनसीईआरटी की स्लाइड से डायरेक्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, स्लाइड दिखाई दे रही है कि? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, पानी पी लेता हूं तब तक। स्टार्ट करें फिर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। और देखो थोड़ा सा और कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए है, जो मैं यहाँ पे स्लाइड में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ वन बाय वन। ये वाला स्लाइड भी चैप्टर एंड होने के बाद आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखो फ्रॉग जो है लैंड पे और फ्रेश वाटर दोनों जगह रहता है। एम्फीबिया क्लास से और फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो फ्रॉग की इंडिया में देखने को मिलती है वो है राना टिगरीना। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे। ये अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखता है, इसलिए हम इसे कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। मतलब बाहर का टेम्परेचर बदला तो अंदर भी चेंज हो जाता है, इसलिए इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, पोइकिलोथर्मिक। ओके, जनरली इसमें अपने कलर को चेंज करते हुए हमने देखे हैं, जिसे हम मिमिक्री कहते हैं। अपने आप को बचाने के लिए कैमोफ्लेज, मतलब अपने आप को हाइड करना है, तो वो जैसे झाड़ पत्ती जहां पे भी जाएगा या टेरेस्ट्रियल रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने क्या है फॉर्म को चेंज कर लेता है। साथ ही साथ फ्रॉग कभी भी हमें समर और विंटर में देखने को नहीं मिलते। देखना जैसे बारिश चालू होती है वैसे बहुत सारे टर टर करते हुए फ्रॉग आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रॉग जो बेटा हीट और कोल्ड के टाइम पे अपने आप को बचाए रखता है, जिसको हम समर स्लीप और विंटर स्लीप कहते हैं, जिसके लिए टर्म यूज होता है एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। तो समर स्लीप को एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं, अपने आप को एक जगह पे वो रेस्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। वो मतलब लंबे टाइम तक क्यों आराम करेगा, और जब बारिश रेनी सीजन आएगा उस टाइम पे आ जाएगा बाहर निकल के।
तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। स्किन मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, स्मूथ स्लीपरी होती है म्यूकस की वजह से, मॉस कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी। डॉर्सल बॉडी ऑलिव ग्रीन होती है और वेंट्रल जो होता है वो पैल येलो कलर का होता है। इधर तो ग्रीन है बट इधर साइड आपको देखोगे तो आपको येलो कलर देखने को मिलता है। हाँ बेटा, सेम टर्म है, टारेस पोइकिलोथर्मस को ही कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। पानी पीता नहीं है, ये थोड़ी देर पहले समझाया था, बट एब्जॉर्ब करता है स्किन के थ्रू। बॉडी हेड और ट्रंक में ही डिवाइड है, नेक और टेल इसमें नहीं होता, बट लार्वल स्टेज में देखने को मिलता, मतलब मेच्योर फ्रॉग में नेक और टेल नहीं होता, ये याद रखना। माउथ के ऊपर पेयर ऑफ नॉस्टल्स प्रेजेंट होंगे, ये आपको देखने को मिल रहे होंगे। आईज जो है ये बल्जी है, दिख रहा होगा, निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है आईज, ये ऐसा जो पानी में इसको प्रोटेक्ट करता है। टिम्पेनम, इसमें ईयर नहीं होता बट ईयर के समान एक स्ट्रक्चर होता है जैसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जो हियरिंग में हेल्प करता है, तो टिम्पेनम को ही इसका ईयर कहते हैं हम। फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब जो इसको स्विमिंग में हेल्प करेंगे। डिजिट जो होते हैं हिंड में 5 और आगे वाले में 4, 4 से 4 याद रखना तो आपको याद रहेगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म थोड़ी देर पहले समझाया कि मेल फ्रॉग जो है वोकल सैक जो कि फीमेल में देखने को नहीं मिलता। कपलेटरी पैड को न्यूपसियल पैड भी कहते हैं, ये याद रखना है आपको, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है। इतना इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको प्रोवाइड कराया। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम लोग डायरेक्टली स्लाइड से ही देखेंगे ताकि आपका टाइम जो है कंज्यूम हो जाए, और नेक्स्ट समझने वाला जो चैप्टर है हमारा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वो हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर ले। ओके, नहीं बेटा गणेश, डाइजेस्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों भी जो है प्रेजेंट होता है। क्या क्या चीज? एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब यहाँ पे यदि हम एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करें तो शॉर्ट होता है, देखो बेटा यहाँ पे इधर से ये माउथ रहेगा, फेरिंक्स एंड इसोफेगस, ठीक है, इधर बाहर साइड ये आपको लीवर दिखाई दे रहा है बड़ा सा, ये बीचों बीच में जो है इसका हार्ट है, बट इधर से देखो साइड से ऐसा निकला हुआ एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये एसोफेगस से आगे स्टमक, स्टमक के बाद ये इंटेस्टाइन, और फाइनली ये जब ओपन होता है तो कॉमन जो स्ट्रक्चर है ये वाला जिसे क्लोका कहते हैं, ये थोड़ा पिक्चर ब्लर हो गया है, क्लोका। तो यहां से एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो बाहर होता है। तो इसमें आप देखो एलिमेंट्री कैनाल जिसमें माउथ जो ओपन होता है बकल कैविटी में, आगे चल के एसोफेगस में ये कंटिन्यू रहेगा विद द हेल्प ऑफ फैरिंग्स। एसोफेगस भी छोटा सा होता है क्योंकि नेक नहीं है इसलिए छोटा रहेगा, ये स्टमक में ओपन रहेगा, देन ओपन होने के बाद स्टमक आता है। अब ये स्टमक जो इसका लेफ्ट देखना बेटा, हमारा लेफ्ट और राइट नहीं आएगा, ठीक है, बट फ्रॉग को आप मतलब अपने सामने वाले पर्सन का हम हार्ट देखते थे याद है, उसका जो लेफ्ट रहेगा हमारा राइट रहेगा, ऐसा हमने पढ़े थे। तो एज इट इज फ्रॉग में भी हम ऐसे देखेंगे, तो लाइज लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी कैविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, लेफ्ट साइड में होता है। इसमें एंटेरियल कार्डियक स्पिंक्टर्स और पोस्टेरियल पाइलोरिक स्पिंक्टर्स होता है, ऐसे पढ़े बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया कि हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े हैं तो फ्रॉग का फिजियोलॉजी आपको आसानी से समझ में आएगा। स्पिंक्टर्स जैसे हमारे इसमें होते हैं ऐसे इसमें है। गैस्ट्रिक ग्लैंड भी इसमें प्रेजेंट होंगी, जो पेप्सिनोजन और एक एससीएल सिक्रेटरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जैसे हमारे इसमें भी होता है, डिओडिनम इलियम और रेक्टम में डिवाइड रहेगा, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं बेटा। हमारे इसमें जैसे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, इसमें ऐसा नहीं होता, रेक्टम को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर से बाइल सिक्रेट होता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, और पेनक्रियाज जो है एक पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट करेगा जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो ये हो गया फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम, इतने अच्छे से मैंने सिस्टमेटिक उसको पैराग्राफ वाइज फ्रेम कर दिया, आपके एनसीईआरटी में इतने अच्छे से नहीं दिया है, देख सकते हो आप लोग बेटा, आपके एनसीईआरटी में इतना अच्छा नहीं है, चाहो तो एनसीईआरटी शेयर करता हूँ, डायरेक्ट टू डायरेक्ट है, दिखाई दे रहा है आपको, ये एलिमेंट्री कैनाल डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज है, पढ़ने और याद रखने में प्रॉब्लम होता है। हाँ लेकिन डायग्राम थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है क्योंकि मेरे स्लाइड में वो डायग्राम क्रॉप हो गया है,
वो स्लाइड बेटा मैंने, अब देखो इतने आसानी से मैं नहीं बना पा रहा था, तो मैंने रेडीमेड जो है वो स्लाइड को मैंने अरेंज किया हूँ। ओके, तो देखो एसोफेगस इधर, ये लीवर आपको इतना बड़ा सा है सर, लोबुलर दिख रहा है, ये इसमें गॉल ब्लेडर दिख रहा है, स्टमक, ये इंटेस्टाइन है, और ये क्लूका जहाँ से ओपनिंग होंगी, और ये अपर्चर जहाँ से सब कुछ बाहर निकलेगा, ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर आप देख रहे हो, हार्ट जो इधर साइड में रहेगा। ओके, ये इधर साइड आपको एक लंग्स भी दिखाई दे रहा है, सॉरी हार्ट ये नहीं, हार्ट ये है, ये लंग्स दिखाई दे रहा है आपको, ये किडनी है बेटा, ये जो है ये किडनी है। अब ये किडनी को थोड़ा सा अलग तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ह्यूमन के कंपैरिजन में, उसमें कुछ एक्स्ट्रा के स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। तो अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए, तो इसका जो खाना पीना जो रहेगा वो इंसेक्ट, वॉर्म और मोलस्का ये खाता है। फूड कैप्चर जो टंग होती है ना, टंग को बाहर निकालता है, पकड़ के खींच लेता है, तो टंग की हेल्प से ही बेटा ये अपना फूड को अंदर लेगा। एससीएल और गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से डाइजेशन होगा, जो स्टमक की वॉल से सिक्रेट होगा। और यहाँ पे पार्सली जो डाइजेस्टेड फूड है उसे काइम कहते हैं, काइम हम लोग पहले भी पढ़े हैं, आपको याद होगा, इसके पहले भी हम लोग काइम का स्टडी किए, तो आप ये जानते हो बेटा, ठीक है। देन डियोडिनम जो है बाइल रिसीव करता है गॉल ब्लैडर से, पेनक्रियाटिक जूस जो है रिसीव करता है पेनक्रियास से, जो कि कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ही आएगा। बाइल के हेल्प से इमल्सिफिकेशन होता है, ये भी हम लोग पढ़े, फैट का इमल्सिफिकेशन, पेनक्रियाटिक जूस जो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। फाइनल डाइजेशन जो कि इंटेस्टाइन में होगा, तो फूड का जब डाइजेशन हुआ तो एब्जॉर्ब होता है न्यूमरस फिंगल लाइक फूड इनर वॉल, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं विलाई और माइक्रोविलाई, और अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट को रेक्टम की हेल्प से पास करके क्लोका तक के पहुंचा दिया जाता है। ऐसा कोई भी पार्ट मुझे नहीं लग रहा जो आपको नहीं समझाऊंगा। रिस्पॉन्स करो बेटा, समझ में आ गया है, यस और नो में रिस्पॉन्स करो। ये था डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इसको टाइम वेस्ट करके वही चीज ड्रॉइंग से समझाऊंगा, एक लेक्चर ज्यादा लगेगा, नीड नहीं है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आएंगे, वो डेप्थ पूछेगा भी, तो इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा बेटा, कुछ भी पूछ ले। सभी का रिस्पॉन्स मिल गया है, क्लियर है करके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा बेटा तो वो आता है सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सॉरी, चलो तो देखते हैं। नॉस्ट्रिल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े थे, ये नॉस्ट्रिल है जिसके हेल्प से एयर, और फाइनली एयर जो है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में। थोड़ा बहुत बेटा इसमें स्किन के थ्रू भी एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फ्रॉग बेटा लैंड पे रहा या फिर वाटर में रहा, तो दो तरीके से इसमें रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। टेरेस्ट्रियल रहा तो लंग्स उसमें इन्वॉल्व रहेगा, वाटर में यदि रहा तो स्किन जो है वो एक्ट करेगा, स्किन की हेल्प से इसमें रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। जब ये वाटर में रहा तो स्किन एक एक्वेटिक रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि डिजोल्व हुई ऑक्सीजन वाटर में जो प्रेजेंट होती है वो स्किन के थ्रू डिफ्यूजन मेथड के थ्रू एक्सचेंज कर लेता है। लेकिन यदि ये लैंड पे रहा तो बकल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों भी इन्वॉल्व होते हैं, जो एक्ट करेंगे एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह, और इस तरह के रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, जैसे हमारे इसमें होता है। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि इसमें भी ऐसा कुछ पार्ट जो आपको बहुत डिटेल में समझाने जैसा है, डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा होगा। तो लंग्स जनरली पेयर में इलोंगेटेड पिंक कलर का होता है बेटा, इसमें जो लंग्स होता है सैक के समान, और ये अपना जो ट्रंक, ट्रंक मीन्स थोरेक्स रीजन को कहते हैं। थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, एक तो हेड और दूसरा ट्रंक, तो ट्रंक मीन्स थोरेक्स, थोरेक्स का जो अपर पोर्शन होता है यहाँ पे लंग्स जो है प्रेजेंट होता है। ओके,
एयर नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से बकल कैविटी में पहुंचा, देन उसके पास बाद लंग्स में जाएगा। लेकिन जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन होता है, जिसको विंटर स्लीप और समर स्लीप कहते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू ही होगा। लंग्स उस टाइम पे काम नहीं करेंगे, फिर भी फ्रॉग जिंदा रहता है, क्योंकि यदि लंग्स वहां पे काम कर रहा है तो उसको अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक्टिव रखना पड़ेगा और मसल्स को कॉन्ट्रेक्ट और रिलैक्स करने के लिए एनर्जी लगेगी। समझ गए? बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, जनरल इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम कंफ्यूजिंग है, वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डायग्राम बेटा ध्यान से देखना, ठीक है? एक काम करते हैं, इस डायग्राम को मैं ड्राइंग से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, डाइजेशन और रेस्पिरेशन के लिए दो स्लाइड छोड़ देता हूँ, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है? डायरेक्टली हम लोग आते हैं कहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चैम्बर जो है कितने हैं और कैसे हैं वो हम लोगों को देखना है। सबसे पहले चैम्बर जो होता है, दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो एट्रिया राइट और लेफ्ट एट्रियम रहेगा और एक वेंट्रिकल रहेगा। याद है आप लोगों ने इसके पहले भी स्टडी किए हैं, ऐसा दो एट्रिया ऐसा एक वेंट्रिकल रहेगा। तो रिस्पेक्टिवली एक जो रहेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, राइट एट्रियम, और दूसरा जो रहेगा वो कहलाएगा लेफ्ट एट्रियम। ओके, ऑरिकल्स भी कहते हैं जिसे। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, वेंट्रिकल। इसको कवर्ड किए हुए एक लेयर होती है इस तरह से, आउटर मोस्ट एक कवरिंग होती है, क्या कहलाती है बेटा, है पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे इसे, पेरिकार्डियम। इतना तो बेटा बहुत आसान है, सिंपल है, हर किसी को मालूम है, ठीक है? सेकेंड थिंग, फ्रॉग में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप और क्लोज टाइप का होता है, ये हमें याद रखना। हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या थी, हार्ट का स्ट्रक्चर हमने देखे, और उसके पहले हम लोगों को यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो क्लोज टाइप का है, वेल डेवलप होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा रहेगा, वेल डेवलप रहेगा, क्लोज रहेगा, ओके? जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड तीनों भी आएंगे। तो ये कॉमन चीजें हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि जहां पे हार्ट आ गया वहां पे ब्लड तो रहेगा ही रहेगा ना, और जहां पे हार्ट और ब्लड है तो ब्लड वेसल्स, क्योंकि क्लोज बोल दिया, इसमें ब्लड वेसल्स भी रहेगी। अब इसमें पंपिंग भी होगा फिर, तो कैसे होता है, ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। एकदम कॉमन चीजें हैं ये, बट इसमें समझने वाला जो पार्ट है वो भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ ही साथ लिम्फेटिक सिस्टम भी इसमें होता है बेटा, ये भी याद रखना। तो हार्ट जो है, बॉडी कैविटी के जो अपर पार्ट है वहां पे लोकेटेड होता है। थ्री चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा, क्या देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, थ्री
हम हार्ट का स्टडी कर रहे हैं, जो कि कैसा है, थ्री चैम्बर में है, एक मिनट बेटा, अगेन एक कॉल इम्पोर्टेंट है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। भी आगे का पार्ट क्या है, थ्री चैम्बर ऑफ हार्ट है। थ्री चैम्बर ऑफ हार्ट मींस इसमें दो एट्रियम और वन वेंट्रिकल रहेगा। मतलब देखो, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में मिक्स होगा और मिक्स होकर ही ये पास होता है, तो मिक्स टाइप का यहाँ पे होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सर्कुलेशन जो है वो कैसा होना चाहिए बताइए। हार्ट मस्कुलर, हाँ ये भी याद रखना बेटा, हार्ट जो होता है थ्री चैम्बर तो है, साथ ही साथ मस्कुलर है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है, जिससे क्या कहेंगे बेटा, लोकेशन। तो ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसका लोकेशन यदि हम देखें तो ये जो सिचुएटेड होता है, ये सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी। आने वाले बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा ठीक है, और आज शायद इसमें एक्सक्रीशन वाला पार्ट आई डोंट नो होता है या नहीं होता है ठीक है, बट नेक्स्ट इसमें हम लोग इस पोर्शन को कंप्लीट करते हुए आगे का नेक्स्ट पोर्शन, जिसे क्या कहते हैं, हेलो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद बायोटेक, तो दो चैप्टर जो रह गए हमारे वो हम देखेंगे ठीक है। थोड़ा सा ये पार्ट इस बार क्वेश्चन आ गए, तो आगे चल के इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाकर के भी आपको इसमें समझा दिया हूँ, बट आएगा एनसीईआरटी ही ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, समझने वाले कंसेप्ट थे और अच्छे से आपको अर्थवर्म समझे, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर भी करवा दिया। कॉकरोच तो आपको बहुत अच्छे से हुआ ही है पहले भी ठीक है। तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पे हार्ट जो है लोकेटेड होता है, ओके, तो इस तरह से थ्री चैम्बर हो गए और तीनों भी चैम्बर पेरिकार्डियम से कवर्ड रहेंगे। अब देखो, राइट एट्रियम के अपर पार्ट में एक स्पेशल टाइप का ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं साइनस वेनसस, जो जनरली जो वेना कावा है या जितना भी मेजर वेन्स है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। तो पहले मैं एक टर्म यहाँ पे यूज करूंगा, क्या कहा मैंने, साइनस वेनसस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई स्टूडेंट को ये नहीं समझता है साइनस वेनसस क्या है। तो साइनस वेनसस आपको याद रखना है, स्पेलिंग सही हुआ क्या, वेनोसस ऐसे आएगा ना, वेनोसस, साइनस वेनोसस, हाँ ठीक है। तो अब देखो बेटा, साइनस वेनोसस क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो देखो हार्ट का ये वाला एक पार्ट हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, राइट एट्रियम। ये वाला एक पार्ट हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट एट्रियम। फिर दोनों को ज्वाइन कर दो, ये ऐसा एक पार्ट हो गया, जिसे क्या कहेंगे हम, वेंट्रिकल। ओके हेलो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, देन वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैसा, ये इस तरह से, जो वेना कावा और मेजर वेन से क्या करेगा, ये वाला पार्ट, वेरी गुड, रिसीव ब्लड थ्रू मेजर वेन एंड वेना कावा। कैसा है ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो ज्वाइन हो रहा है राइट एट्रियम से, ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर है जो ज्वाइन होता है राइट एट्रियम से। रोल क्या है, रोल क्या है, जल्दी बताओ, रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, ब्लड कहाँ से रिसीव कर रहा है, मेजर वेन एंड वेना कावा।
इसमें ये वाला पार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है। स्टार बना देता हूं यहाँ पर, साइनस पेनसस। और एक और टर्म आता है इसमें जिसे हम कहते हैं कोनस आर्टेरियोसस। यहां पे लिखता हूं मैं कोनस आर्टेरियोसस, क्योंकि पिक्चर्स क्लियर रहेगी तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेगा। अब कोनस आर्टेरियोसस क्या है, कोई बता सकता है कोनस आर्टेरियोसस क्या है? देखो, जब ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल के थ्रू तो वो मिक्स टाइप का ब्लड जाएगा, तो एक तो लंग्स और एक तो बॉडी के पास जाएगा। तो जो कॉमन पाथवे जो ब्लड की पंपिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, देखो ध्यान से समझना, कौन सा कलर यहाँ पे लिया जा सकता है, ऑरेंज कलर। देखो इधर से ब्लड आया, इधर से आया, इधर आ गया, इधर से भी ब्लड आ रहा है, इधर आ गया। तो जो ब्लड यहाँ पर जो रिसीव हुआ है, मिक्स टाइप का ब्लड रिसीव हुआ है, रिसीव कर लेते हैं ब्लड मिक्स टाइप का। फिर जब ब्लड यहां से पंप होगा तो ब्लड जो पंप होने वाला है वो कैसा होगा? यहां से जो ब्लड पंप होगा इस तरह से मिक्स टाइप का ब्लड यहां से पंप हो रहा है। अभी मिक्स टाइप का ब्लड, इसमें एक इधर हमारे ऐसे बॉडी में और एक हमारे लंग्स के पास चला जाएगा। एक जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में और एक ब्लड जो, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, यहां से ये जो ब्लड जा रहा है ये लंग्स, और यहां से जो ब्लड जा रहा है वो बॉडी के पास ऐसा पंप हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉमन पाथवे, आपको जो कॉमन जो यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना बेटा, ये वाला पोर्शन, यहां से ब्लड जो जा रहा है इधर भी और दोनों भी साइड में जो ब्लड पास हो रहा है, यहां से मिक्स टाइप पे जाएगा, मिक्स ब्लड ही पास होगा ना, ये यही तो देखे हमने थोड़ी देर पहले, ये ऐसे तो जो एक पाथवे जहां से दोनों भी मिक्स ब्लड जा रहा है बट वो आगे जाके टर्न ले रहा है, तो दोनों का जो कनेक्शन है ये वाला, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं कोनस आर्टेरियोसस। याद रहेगा कोनस आर्टेरियोसस मतलब वेंट्रिकल ओपन होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। वेंट्रिकल ओपन होगा सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या कहलाता है कोनस आर्टेरियोसस। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आएगा तो आर्टरी से आर्टेरियोसस याद रखना, याद है पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, नॉर्मल आर्टरी, वहां वो किससे कनेक्टेड था हमारा, वेंट्रिकल से कनेक्टेड था ना, तो यहां से आप याद रख सकते हो। ये हार्ट के वेंट्रल साइड में कनेक्टेड होता है बेटा, ओपन जो हो रहा है वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, एक बात ये भी याद रखना। मैं अभी थोड़ी देर के बाद स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा क्या चीज है। तो ब्लड जो है हार्ट से हमारे बॉडी के ऑल पार्ट तक के जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, फिर वेन जो है ब्लड को कलेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी,
और वहां से हार्ट के पास आता है। तो इस तरह से जब आर्टरी की हेल्प से जब जाता है तो उसे एट्रियल सिस्टम, और वेंस की हेल्प से आता है तो उसे वेनस सिस्टम कहेंगे। और साथ ही साथ देखो इसमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रेनल पोर्टल सिस्टम भी होगा। हिपेटिक मतलब लीवर से कनेक्टेड और रेनल मतलब किडनी से कनेक्टेड। तो ब्लड जब किडनी से कनेक्ट रहेगा तो उसे रेनल पोर्टल सिस्टम कहेंगे, और जब लीवर से कनेक्टेड रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा एक अच्छे वाले पिक्चर्स में भी हम लोग इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। रेडी कलरफुल रेडीमेड ड्राइंग पिक्चर ये हमारे स्लाइड में अवेलेबल है। देखो बेटा क्रॉप कम डिसेक्शनिंग करके हम देख रहे हैं अभी। तो डिसेक्शनिंग में जब आप इस क्रॉप को स्टडी करोगे एनालाइज करोगे तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके को यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड कहेंगे जो राइट एट्रियम में आ रहा है, और ये पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आ रहा है जो लंग से होते हुए आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में। ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है रहने दो। फिर वेंट्रिकल के पास आया तो मिक्स टाइप का ब्लड है, ये सब बॉक्स है ऑलरेडी तो वहां पे कुछ कलर नहीं करते। और वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो लंग्स और बॉडी टिश्यू दोनों जगह जाएगा। ये बीच वाला ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इधर का एक राइट एट्रियम और एक लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है आपको। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे वेंट्रिकल दिख रहा है। वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो ये वाला पार्ट कोनस आर्टेरियोसस, यहाँ से जो पंप कर रहा है ये वाला पार्ट, इसको कोनस आर्टेरियोसस कहेंगे। अब यहाँ पे वो वाला पोर्शन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया साइनस वेनसस यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है ये, ठीक है बेटा। तो स्लाइड पे आ जाए वापस बेटा, रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से। यहाँ तक क्लियर हुआ, आप लोग क्लास में अवेलेबल हैं? 10 स्टूडेंट आज क्लास में नहीं दिख रहे मुझे, आज भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? दशहरा अभी से मना रहे हो, हाँ दिवाली दशहरा भूल जाओ इस साल, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, बहुत भला हो जाएगा आपका। अब देखो आपको भले ऐसा लग रहा होगा कि सर 11th का पढ़ा रहे हमारे लिए क्या काम था, बट ये वाला इन्फॉर्मेशन आप एनसीईआरटी से 10 बार भी पढ़ोगे ना तो आपको नहीं समझेगा। रियली बेटा आप क्लास में पहले से थे या बाद में लेट ज्वाइन किए, पहले तो ये बताओ मुझे। आप थे, ठीक है मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ क्या चीज है, ध्यान से समझो बेटा, बहुत इजी है और सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं जानो। देखो एकदम सिंपल, देखो फ्रॉग में जो है ऐसा एक एट्रिया रहेगा, दूसरा एट्रियम और ये वेंट्रिकल। अब फ्रॉग में जो ब्लड रिसीव होगा इस एट्रियम में रिसीव करेगा ही, तो फ्रॉग में जो ब्लड रिसीव होगा ऑब्वियसली वेना कावा की हेल्प से होगा ना ऐसा, या वेन की हेल्प से होगा, तो ये डायरेक्टली इसमें ऐसा रिसीव नहीं होता, ऐसा ट्रेंगुलर टाइप का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इसके साथ ऐसा कनेक्टेड रहता है। ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा और कहाँ देगा, यहाँ पे राइट एट्रियम को देगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइनस वेनसस। जब ब्लड इस वेंट्रिकल में आ गया, अब ब्लड इस वेंट्रिकल में आ गया यहाँ पर इस तरह से, तो वेंट्रिकल अब क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। तो वेंट्रिकल ब्लड को पंप जब कर रहा है तो मिक्स टाइप का ब्लड पंप करेगा ना, तो आप देखना हमारे इसमें हमारा जो लंग्स था उसमें राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट थे, तो सेपरेटली ब्लड भी पास अलग अलग तरीके से हो रहा था, बट यहाँ पे कॉमन डायरेक्टली ब्लड पंप होगा ना यहाँ से इस तरह से। ये ब्लड जो यहाँ से कॉमन जो ऐसा पंप हो रहा है इस वेंट्रिकल की हेल्प से, तो एक कॉमन वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कहेंगे बताइए, ये जो कॉमन वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे, इसे कोनस आर्टरियोसस कहते हैं।
अब फिर भले वो यहां से जाके हमारे बॉडी और लंग्स में अलग अलग डिवाइड हो जाओ, बात अलग है, बट ये वाला पार्ट जो है ये तो कॉमन है ना। फिर आर्टरी और जो भी पल्मोनरी आर्टरी वो अलग हो जाएगा, बट ये वाला कॉमन पार्ट है। आई होप आपको समझा होगा और ये याद रहेगा। रियली क्लियर हो गया अभी? और कोई बच्चा है जिसको डाउट आ रहा है इसमें? क्लियर है बेटा सभी बच्चों का? चलो स्लाइड से देख ले अब एक बार, अगेन रिवाइज कर लेते हैं। ये डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लो बेटा। इतना सा जो पार्ट है फ्रॉग का, इसको हम लोग यहां से ऐसा जूम करके इधर साइड देख रहे हैं। पढ़ लो एक एक चीजें, लेबलिंग्स देख लो बेटा दोनों भी डायग्राम में, ये वाला और ये वाला दोनों में भी देख लो। जल्दी से देखो इसे भी रीड कर लो अच्छे से बेटा। अरे कॉल बहुत आ रहा है। ओके हाँ चलो स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ नहीं बेटा इसमें मिक्स ब्लड सेपरेट नहीं हो रहा है, मिक्स ब्लड ही पास हो रहा है यहाँ पर, देयर इज नो सेपरेशन। लेबलिंग पढ़ ली है सभी लोगों ने? ये लेबलिंग पढ़ने के लिए कहा था मैंने, रीड करने के लिए कहा था। ओके इतना क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से सिस्टम देख लिए हम लोगों ने? रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम भी देख लिए, बट सर्कुलेटरी सिस्टम को स्लाइड से एक बार रिवाइज करना है हमें। ओके चलो तो देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अभी हम लोग देख रहे हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फ्रॉग में वेल डेवलप होता है, क्लोज टाइप का होता है, हार्ट ब्लड वेसल्स और ब्लड तीनों भी रहेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम भी इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें लिम्फ आता है, लिम्फ चैनल आता है और लिम्फ नोड आता है, हमारे जैसे ही रहेगा ये सिस्टम। हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, ये भी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले। थ्री चैम्बर है इसमें, जिसमें टू एट्रियम है और वन वेंट्रिकल है, जो कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू जिसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ये वाला पार्ट आपको याद रखना है बेटा। इसमें कौन सा हाईलाइट कर देता हूं मैं इसे, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, साइनस वेनसेस और वेंट्रिकल जहां पर ओपन होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो साइनस वेनसेस और कोनस आर्टरियोसस। ठीक है ये दोनों भी टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं आपको। और इसमें एक और इंफॉर्मेशन याद रखना है कि वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट पे ये ओपन होता है, कहीं पर भी नहीं। ठीक है कौन सा, कोनस आर्टरियोसस। पिक्चर्स में देखेंगे यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा बेटा, ये पिक्चर्स दिख रहा बेटा, एक इधर से रिसीव कर रहा है, यहां से इस तरह से कुछ पंप भी करेगा। साइनस वेनसस दिखाई दे रहा है। ओके तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो राइट एट्रियम से ज्वाइन होता है, जो रिसीव कर रहा है ब्लड थ्रू मेजर वेन जिसे क्या कहते हैं, वेना कावा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है वेंट्रिकल जो ओपन होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं कोनस आर्टरियोसस, जो वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट में देखने को मिलेगा। ब्लड जो है फ्रॉम हार्ट कैरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज, जिसको हम एट्रियल सिस्टम और वेन कलेक्ट करता है ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी
हार्ट तक पहुंचाएगा तो उससे हम क्या कहेंगे, वेनस सिस्टम। तो आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम ये आपको थोड़ी देर पहले समझाया। एक स्पेशल वेनस कनेक्शंस भी देखने को मिलता है जो कि लीवर और इंटेस्टाइन में होता है। जैसे हम लोगों ने हमारे सिस्टम में भी पढ़े थे कि जैसे कि ये हमारा इंटेस्टाइन रहता है और ये लीवर रहता है, तो यहाँ से जो ब्लड एब्जॉर्ब होता है, मतलब फूड ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो लीवर तक के जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। और इसी तरह से हम लोगों ने किडनी का भी स्टडी किए थे, आपको याद होगा। तो इस तरह से किडनी से जो कनेक्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं, रीनल सिस्टम। तो रीनल पोर्टल, तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम इसमें भी देखने को मिलेगा, जो किडनी और लीवर इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड रहेगा। ब्लड में प्लाज्मा और सेल्स प्रेजेंट होती है, आरबीसी इसमें देखने को मिलेगा, डब्ल्यूबीसी इसमें देखने को मिलेगा, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट इसमें होगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे ब्लड का इंफॉर्मेशन देखते हैं तो ब्लड में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी आपने देखना ह्यूमन में न्यूक्लेटेड होती है, बट इस न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं होता, बट इसमें जो आरबीसी है वो न्यूक्लियस वाली होती है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओवल और बाई कॉन्वेक्स होता है, हमारा बाई कॉन्केव होता है, ओवल और बाई कॉन्वेक्स होती है, ये यहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है, याद रखना है आपको। न्यूक्लिएटेड, ओवल, बाई कॉन्वेक्स, रेड कलर का जो पिगमेंट हीमोग्लोबिन इसमें भी होगा, लिम्फ जो है डिफर करता है बट उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन आरबीसी होता है। न्यूट्रिएंट का जो कैरी करना है, गैस वाटर इसका एक्सचेंज करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग में भी हेल्प करेगा। पंपिंग एक्शन, मस्कुलर हार्ट एक रोल प्ले करेगा, जैसे हमारे इसमें होता है ऐसा ही इसमें भी होगा। तो इसमें आपको याद रखने वाला जो एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो सिर्फ इतना पैराग्राफ है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग, बाकी सारी चीजें एज इट इज टू ह्यूमंस, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो बेटा, ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी सारी चीज तो आप बहुत अच्छे से आप भी जानते ही हो। बड़े आगे फिर यहां तक क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब देखो एक्सक्रेटरी सिस्टम अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कल के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम भी हो गया हमारा। देखो इसमें थोड़ा सा ड्राइंग है, थोड़ा सा कंसेप्ट है समझने के लिए। एक्सक्रेटरी सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है फ्रॉग में, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन का रिप्रोडक्शन के साथ कनेक्शन है छोटा सा, ठीक है। और मैं ये नहीं चाहता कि डायरेक्टली आपको शॉर्टकट में खत्म कर दूं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें समझाने वाली है तो वो डायरेक्ट स्लाइड से समझाने के बाद नहीं समझेगा। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा नहीं, मुझे थोड़ा ही टाइम चाहिए रहेगा, ठीक है, मे बी 30 मिनट्स में आपका ये वाला पोर्शन में नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। कितनी देर में, 30 मिनट्स में, और उसके बाद फिर 30 मिनट्स के बाद जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वो हम चालू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि मंडे हमारा क्लास नहीं हो पाया, बट आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि मंडे की जगह पे आज ट्यूसडे अर्थवॉर्म के जितने भी सेगमेंट हैं उससे रिलेटेड मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, हेलो, याद है आप लोगों को, तो स्टार्ट करें फिर क्वेश्चनिंग अर्थवॉर्म के सेक्शंस की। यस और नो, पढ़ के आए हो या नहीं आए हो,
अब किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा है। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो यार? देखो आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की, आप खुद जानते हो अर्थवर्म में मैंने कितना कुछ आपको एक एक बार एक्सप्लेन किया था। सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस ओवरी, इनके पेयर कितने नंबर पे होते हैं, सिर्फ 3 स्टूडेंट है। आदित्य का रिस्पांस ऑनेस्टी से नो सर करके आया है, अच्छा लगा मुझे। नंदनी और नीनाद, ये 3 ही स्टूडेंट है जिसने रिस्पांस किया, नंदनी यस सर और नीनाद पढ़े हैं, ये रिस्पांस मिला है। बाकी लोग, मैं एक्सेप्ट कर रहा था आप लोगों से कि आप लोग ओके। अभी मैंने आपको गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट शेयर किया हो, मिल गया आप लोगों को असाइनमेंट, 2 पास्ट ईयर के क्वेश्चन का असाइनमेंट दिया है। अभी मैं आपको अर्थवर्म का भी असाइनमेंट दे रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थवर्म के सेक्शंस जो है, ठीक है, तारे दिख रहा है ना बेटा, अभी दिखा, मैं आप लोगों को अगेन एक और असाइनमेंट दे रहा हूँ। पहले तो पास्ट ईयर के 2 क्वेश्चन, पास्ट ईयर के 2 चैप्टर जो है, न्यूरल कंट्रोल और लोकोमोशन जो दिया है, ये आपको कल तक के पोस्ट करना है। साथ ही साथ अर्थवॉर्म में मैंने जो आपको समझाया उसमें सिर्फ सेगमेंट वाला, ठीक है, लाइन से लिखना, इस तरह से अर्थवॉर्म बना लेना कंप्लीट, और चालू करना सेगमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, और एक टेबल भी बना लेना इस तरह से, और यहाँ पे लिखना सेगमेंट 1, 2, 3, 4, कौन से सेगमेंट में क्या आता है लाइन से, और यहाँ पे भी लाइन से ड्राइंग करना है, और पर्टिकुलर कौन से सेगमेंट में 2 से 3 चीज ओवरलैप हो रही है वो भी लिखना है लाइन टू लाइन, ये आपको लिख करके पोस्ट करना है, और ये 3 बार होना चाहिए। इसका टाइम भी मैं आप लोगों को कल तक के ही दे रहा हूं, समझे, ये मुझे मिल जाना चाहिए अर्थवर्म के सेगमेंट, समझ में आ गया, हो जाएगा ये। और कैसे आप उसे याद कर रहे हो, यदि कुछ ट्रिक है आपके पास तो ट्रिक भी शेयर करो। कुछ प्रॉब्लम आ रही तो मुझसे पूछो, हम ट्राई करेंगे, समझे बेटा। तो अभी मैंने आपको क्या किया, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पढ़ाया, बट आप क्या करो डायरेक्टली 1 से लेके लास्ट तक के सेगमेंट लिख लो, और सेगमेंट को बिल्कुल लाइन से एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ये याद रखने में आसानी होगी आपको। टेबल और डायग्राम दोनों तरीके से चाहिए, नहीं बेटा वैलिडिटी इंक्रीज नहीं होंगी, कल नाइट तक के आपको पोस्ट करना है, ताकि डे आफ्टर टुमारो हमारा जब क्लास होगा तो मैं आपका रिस्पॉन्स लू, और मैं ओरल टेस्ट भी लूंगा सेगमेंट वाला। अरे इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, और आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा, ओके। और एक्सेप्ट करता हूँ सभी लोग पॉजिटिव रहेंगे रिस्पांस में भी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, तो एंड करते हैं आज का क्लास। हाँ, सारा कुछ एक ही साथ लाइन से आप मेंशन करो बेटा, ऐसा भेजो कि आप खुद लर्न कर रहे हो, तो आप किस तरह से लर्न कर सकते हैं, आपके पास कोई न्यू टेक्निक है, न्यू तरीका है फ्लो डायग्राम या टेबल फॉर्मेट के अलावा, तो आप शेयर कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा 3 times, एक बार तो मैंने जैसा कहा वैसा, सेकंड टाइम आप ट्रिक के हेल्प से भेज सकते हो, और थर्ड टाइम आपका खुद का कोई लॉजिक है तो वो भेज सकते हो। और कुछ नहीं आ रहा तो 3 बार 3 पेज में ऐसा आप पोस्ट कर दो, ठीक है बेटा, चलो बाय बाय। Take care. Have a great day. मिलते हैं फिर।